नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है। एजेंसी की करीब 8 अधिकारियों की टीम सुबह 10:30 बजे ही मीसा भारती के घर पर पहुंची थी। दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर ही लालू यादव फिलहाल रह रहे हैं। यहीं पर पूछताछ के लिए एजेंसी के अधिकारी मीसा भारती के घर पर पहुंचे थे। वहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से ही मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार सुबह रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। एक और ट्वीट में रोहिणी ने लिखा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखा जाएगा। इससे पहले सोमवार को भी सीबीआई की टीम ने पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। इस मामले में लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम भी शामिल है। लालू यादव ने दिसंबर में ही अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। लंबे समय से वो सिंगापुर में रहने के बाद दिल्ली लौटे हैं और अब मीसा भारती के आवास पर ही हैं। सीबीआई ने इस मामले में बीते साल 10 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी के अलावा 14 अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। सीबीआई की ओर से दावा किया गया कि राबड़ी देवी, मीसा भारती और लालू की एक अन्य बेटी हेमा यादव के नाम से डीड तैयार करके जमीनों का ट्रांसफर कराया गया था। एजेंसी का आरोप है कि 1,00,000 वर्ग फुट जमीन लालू यादव परिवार ने पटना में ली। इसके तहत उन्होंने मामूली रकम बेचने वालों को दी और नौकरी के बदले जमीन हथिया ली।